इस वीडियो में हम इस साल के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको सारे सेक्टर्स के टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स बताएंगे, साथ ही साथ इसमें जो हमारा क्राइटेरिया होगा कंपेयर करने का, जैसे क्रिसिल रेटिंग, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न, रेपुटेशन ऑफ AMC, फंड मैनेजर रिकॉर्ड कंपेयर टू बेंचमार्क, वेटेज ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक, इन सारे क्राइटेरिया के साथ साथ हम और भी कई सारे क्राइटेरिया लेंगे, कई सारे पैरामीटर्स लेंगे, जिसके आधार पे हम कंपेयर करके आपको बताएंगे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड से है हर सेक्टर्स के। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेस में। तो हम जानते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्रिसिल रेटिंग, जो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड का रेटिंग जो है सबसे बेहतर है। जैसे हमारा 1 से लेकर 5 तक क्रिसिल रेटिंग होता है, तो आपको जो 5 रेटिंग्स वाले हैं उसी म्यूचुअल फंड को आपको सेलेक्ट करना है। साथ साथ इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जान लें कि इकोनॉमिक साइकिल को आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी का जो साइकिल है वो बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे कुछ ही दिनों में। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैंने एक नया म्यूचुअल फंड लिया है अभी, वो आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि 2-4 दिन में ही उसका जो अभी का रिटर्न है वो कितना प्रतिशत है। पर अभी जो हमारा मार्केट का सीनेरियो, अभी जो मार्केट का कंडीशन है वो बहुत ही नीचे आ चुका है, तो ऐसे में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही जल्द, जैसे हमारा मार्केट रिकवर करता है तो आपको बहुत ही जल्द अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रिसिल रेटिंग देख लेना है, जो जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टॉक्स में जो एक्सपेंस, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो 1% से अधिक होता है, तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.5 और किसी में इन्वेस्ट करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5, तो आपको 1% का रिटर्न तो इसी तरह से मिल गया। मतलब आप कम एक्सपेंस रेशियो वाले चूज करते हैं तो 1% का रिटर्न आपका यहीं पे हो जाता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना है। जनरली जो डायरेक्ट प्लान होते हैं उसके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं और जो रेगुलर प्लान होते हैं उसके एक्सपेंस रेशियो अधिक होते हैं। लेकिन रेगुलर प्लान में आपका जो फंड मैनेजर होगा वो एक्टिवली आपके फंड को रेगुलेट करेगा, वहीं डायरेक्ट प्लान में आप जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है। तो आप देख लेंगे अगर रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो अधिक है लेकिन रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, जैसे 2% और 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न हमारा सेम है तो हम डायरेक्ट प्लान को ही चूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है उसी रूप में हमको 1% अधिक रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए आप जो एक्सपेंस रेशियो है उसको ध्यान में रखें जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, तो जो भी म्यूचुअल फंड चूज करें उसका एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखें। अगला है हमारा तीसरा रिटर्न, तो रिटर्न को तो ध्यान में रखना है, जो बेहतर रिटर्न दे रहा है उसी म्यूचुअल फंड को आप चूज करें। तो इसके लिए आप पिछले 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मतलब एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखें कि 5 से 10 साल में लगातार जो है कौन सा म्यूचुअल फंड लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, कौन अपने बेंचमार्क को लगातार बीट किया है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चौथा है हमारा रिपीटेशन ऑफ AMC, जो हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब जैसे एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके रिपीटेशन को देखना है कि वो लगातार कैसा परफॉर्मेंस करते आया है। उसके बाद आता है फंड मैनेजर रिकॉर्ड, जो फंड मैनेजर का रिकॉर्ड है और वो फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कंपेयर टू बेंचमार्क, तो आप उसी म्यूचुअल फंड को लें जो हमेशा बेंचमार्क को बीट करता हो। तो मतलब बेंचमार्क जो हमारा इंडेक्स है, अगर निफ्टी 50 में करते हैं तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न को बीट करता हो, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो वो बेंचमार्क है उसका, उस सेक्टर का, चाहे जो भी आप ले रहे हैं वो उस बेंचमार्क को बीट करता हो। अगला है हमारा वेटेज ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, जो हमारा कई सारे सेक्टर्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, कभी वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस सेक्टर को कितना वेटेज दिया गया है, तो ये आप देख लें। अब जो सेक्टर परफॉर्म करता है उससे अधिक वेटेज दिया गया है तो वो म्यूचुअल फंड निश्चित है कि वो अच्छा रिटर्न देगा। साथ ही साथ स्टॉक का भी आपको ध्यान रखना है कि वो म्यूचुअल फंड किस स्टॉक में कितना
परसेंट वेटेज दिया है, तो अगर वो अधिक परसेंटेज में है कोई स्टॉक्स और वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका भी म्यूचुअल फंड जो आप खरीदे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। तो अब आगे चलते हैं हम, तो अब हम कुछ टॉप म्यूचुअल फंड आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए पहले नंबर पर हमारा जो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, तो ये हमारा ELSS फंड है और जो इसका रिटर्न परसेंट है और सभी म्यूचुअल फंड से अच्छा है, बेहतर है। तो आप जब भी कंपेयर कर रहे हैं रिटर्न का तो उसी कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उससे करें, कभी भी आप इस फंड का कंपैरिजन दूसरे फंड से ना करें, तो उसी ELSS फंड के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उससे करें। तीसरा है हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, दूसरा है हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये भी हमारा ELSS से है। तो ELSS से दो हमने आपको फंड सजेस्ट किया, आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह ले लेंगे और आप अपना भी रिसर्च कर लेंगे। तो इसके लिए आप ग्रो ऐप का यूज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ग्रो ऐप जो है उसका यूज करके उस पर साइनअप करके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे हमने जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदा है अभी के मार्केट में उसमें मात्र दो तीन दिन में कितना परसेंट का रिटर्न वो दिया है। तीसरा है हमारा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, ये हमारा इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड में दो फंड हमने आपके लिए सजेस्ट किया है, दूसरा है ICICI प्रूडेंटल निफ्टी इंडेक्स फंड। तो ये दो फंड है जो कि हमारा इंडेक्स फंड से है। इंडेक्स फंड जैसे हमारा निफ्टी 50 है, उस इंडेक्स में निफ्टी बैंक है, उस इंडेक्स को कोई फॉलो करता है तो आप देख लेंगे कि इस इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार चूज कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी जो 50 है उसके लिए है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, दूसरा ICICI प्रिंटर निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आप सेंसेक्स फंड में लगाते हैं ना, सेंसेक्स इंडेक्स में लगाते हैं तो उसके लिए आप फंड देख लेंगे। तो इस तरह से आपको चूज करना है। वहीं हमारा अब लार्ज कैप से हमारे दो फंड हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा मेरे एसर्ट लार्ज कैप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड और मेरे एसर्ट लार्ज कैप फंड, दो लार्ज कैप फंड हमने सजेस्ट किया। तो हमने जो अभी फिलहाल हमने जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लिया है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे इसका अभी रिटर्न परसेंटेज अभी कितना है। उसके बाद हमारा जो मिड कैप फंड है उसमें से हमारा दो फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। तो ये हमारा जो मिड कैप दो मिड कैप फंड है, आप हमारे ये सारे रिसर्च किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ को हमने देखा, एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही बहुत कम है, तो सारे एक्सपेंस रेशियो के आधार पे हमने लिया है, रिटर्न के आधार पे लिया है, हर चीज़ को हमने कंपेयर करते हुए लिया है। आप भी अपना कंपेयर कर लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेंगे, तब जा कर के आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करेंगे। उसके बाद है हमारा SBI स्मॉल कैप फंड, उसके बाद हमारा दूसरा जो स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये दो स्मॉल कैप फंड है। अब चलते हैं हमारा जो सबसे बेहतर फंड है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे स्मॉल कैप में ही लगाना है, लार्ज कैप में ही लगाना है, मतलब ये हर सेक्टर में जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इस तरह से मल्टी कैप फंड जो है बेहतर फंड है। किसी समय हमारा स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहा होता है तो किसी समय हमारा मिड कैप अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट जो होता है डाइवर्सिफाइड होता है हर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसलिए बेहतर होगा कि आप मल्टी कैप फंड लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे चल के हम भी एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मल्टी कैप फंड में जो हमारा पहला है प्राग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। यही जो हम फंड चूज किए हैं इसी का एक्सपेंस रेशियो हमारा 1 से ज़्यादा है, ये है 1.15। नहीं तो सारे जो फंड हमने सेलेक्ट किया है उसका एक्सपेंस रेशियो आपको कम मिलेगा, 1 से कम है। मात्र इस जो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15 है, लेकिन ये जो अपने सेक्टर में है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। ये फिलहाल अभी के लिए है, आगे साल में जाके चेंज भी हो सकता है, कोई दूसरा इसे बीट भी कर सकता है। तो लेकिन अभी का जो हमारा मल्टी कैप फंड है पराग पारिक ये सबसे बेहतर है। दूसरा है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, तो ये हो गया हमारा मल्टी कैप फंड से। तो इस तरह से हर सेक्टर से मैंने आपको दो दो फंड सजेस्ट किया। अगर आप रिसर्च करते हैं आपको कोई तीसरा फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अपना रिसर्च करें और
हमने आपको सजेस्ट किया जो 12 फंड। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो किसका कितना कितना है, ये भी बता देते हैं। चलिए एलएसएस फंड में तो जो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.81% है। वहीं हमारा जो दूसरा है इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.91% है। उसी तरह से जो हमारा इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में आप जो पहला देख रहे हैं यूटीआई निफ्टी, इसका मात्र 0.1% है। तो इंडेक्स फंड में लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही बहुत कम है, 0.1% है मात्र। वहीं इसमें जो हमारा दूसरा है इंडेक्स फंड में आईसीआईसी प्रूडेंटल निफ्टी, इसका भी मात्र 0.1% है हमारा एक्सपेंस रेशियो। वहीं हम चलते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये जो लार्ज कैप फंड है, इसमें एक्सपेंस रेशियो है 0.6%। वहीं इसमें जो लार्ज कैप फंड में मेरे एसर्ट लार्ज कैप फंड है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है यह है 0.57%। तो ये इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो इस तरह से एक्सपेंस रेशियो को भी आप ध्यान रखना है। अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो कम है और वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपको उसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। उसी तरह से जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, ये हमारा मिड कैप फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। वहीं हमारा इसका जो दूसरा है एक्सिस मिड कैप फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56%। उसी तरह SBI स्मॉल कैप फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो हमारा SBI स्मॉल कैप फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, 0.87%। और वहीं इसमें जो दूसरा हमारा है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है हमारा, 0.83%। तो इस तरह से एक्सपेंस रेशियो है हमारा हर जो म्यूचुअल फंड है उसका। इसी तरह एक्सपेंस रेशियो भी आप देख लेंगे। तो चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया है मात्र दो दिन पहले, उसका कितना रिटर्न परसेंट है मात्र दो दिनों में। अभी गिरते हुए मार्केट में जब मार्केट बॉटम पे आ जाए तो अब आप इन्वेस्ट करते हैं अभी तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे आगे चल करके। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो देख सकते हैं ये हमारा 10,000 अभी हमने अपना SIP स्टार्ट किया है और ये मात्र अभी दो दिन में कितना कर देख सकते हैं, मैंने 10,000 का SIP स्टार्ट किया है और ये हमारा जो अभी मात्र दो दिन में कितना का रिटर्न दे रहा है, 6.86% का, 6.86 मात्र दो दिनों में। कई बार तो ये आपको 3-5 साल लग जाते हैं इतना परसेंट का रिटर्न लेते लेते, लेकिन उसमें जो है कंपाउंड होते जाता है ईयरली, तो इसलिए अमाउंट आपका बढ़ते जाएगा। अभी मात्र हमने दो दिन में इतना परसेंट का रिटर्न लिया है। तो इस तरह आप बॉटम पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। आपको ये भी दिखा देते हैं कि हमने किस तारीख को, यहाँ देख सकते हैं ये एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये हमने इन्वेस्ट किया अभी अप्रैल में। यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच हमने डेट रेंज में ये ऑर्डर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर में जा करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच, मतलब हमने 6-7 अप्रैल को ये अपना ऑर्डर किया था। तो इस मात्र दो दिन में हमारा जो रिटर्न है वो अप्रॉक्स 7% के आसपास है। तो इसलिए अभी आप गिरते मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। देख सकते हैं मैंने 10,000 का SIP स्टार्ट किया है और ये हमारा जो अभी मात्र दो दिन में कितना का रिटर्न दे रहा है, 6.86% का, 6.86 मात्र दो दिनों में। कई बार तो ये आपको 3-5 साल लग जाते हैं इतना परसेंट का रिटर्न लेते लेते, लेकिन उसमें जो है कंपाउंड होते जाता है ईयरली, तो इसलिए अमाउंट आपका बढ़ते जाएगा। अभी मात्र हमने दो दिन में इतना परसेंट का रिटर्न लिया है। तो इस तरह आप बॉटम पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। आपको ये भी दिखा देते हैं कि हमने किस तारीख को, यहाँ देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये हमने इन्वेस्ट किया अभी अप्रैल में। यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच हमने डेट रेंज में ये ऑर्डर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर में जा करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच, मतलब हमने 6-7 अप्रैल को ये अपना ऑर्डर किया था। तो इस मात्र दो दिन में हमारा जो रिटर्न है वो अप्रॉक्स 7% के आसपास है। तो इसलिए अभी आप गिरते मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलता रहे।